हेलो बच्चों, मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। तो बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का थर्ड एंड लास्ट पार्ट करेंगे। राइट बच्चों, सेकंड पार्ट में हमने सीखा था अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने किया था बच्चों कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। राइट, चले बच्चों, इस पार्ट में हमें मेनली दो रिएक्शन सीखने हैं। ओके, जो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चले तो स्टार्ट करेंगे बच्चों विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, लेट्स सी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से। चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे, तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेने वाले हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या है बच्चों इस टेस्ट ट्यूब के अंदर? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसका कलर होता है ब्लू। आप लैब में बनाओगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। राइट, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बच्चों किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। जो आपका सॉल्यूशन का फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। राइट, ये जो सॉल्यूशन है बच्चों वो ब्लू कलर का है। तो ये बच्चों है आपका ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ओके, चलिए क्या कलर है इसका बच्चों? ब्लू कलर है, एकदम डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें एक आयरन का नेल लेना है और उस आयरन नेल को हमें इसके अंदर डाल देना है। राइट, तो ये आ गया बच्चों आपका आयरन नेल, जो हमने इसके अंदर डाल दिया है। राइट, चलिए क्या है ये? ये बच्चों आपका आयरन नेल, आयरन नेल। ओके, आपको इसको 2-3 घंटे तक रहने देना है और 2-3 घंटे के बाद जब आप इसका ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो आप देखोगे कि जो आयरन का नेल है ना, वो आयरन का नेल जो है उसका कलर चेंज होकर थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया होगा। कलर चेंज टू ब्राउनिश। राइट, कैसा हो जाएगा? उसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। और इसका भी जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, वो ब्लू कलर भी कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। मतलब ब्लू कलर क्या होगा बच्चों? फेड्स अवे। क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा। राइट, तो सवाल ये है कि अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है? समझ में आया आपको रिएक्शन? कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर आयरन नेल डालना है और 1-2 घंटे के बाद आप देखोगे तो आयरन नेल का शाइन जो है वो चला जाएगा और वो ब्राउन कलर का हो जाएगा थोड़ा सा, और जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? तो यहाँ पे बच्चों Fe और कॉपर सल्फेट के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और देखते हैं बच्चों कौन सा वो केमिकल रिएक्शन है। ओके, चलिए बच्चों, तो आपका पहला रिएजेंट कौन है? आयरन है, दैट इज Fe। Fe नेल के फॉर्म में था, मतलब सॉलिड फॉर्म में था। दूसरा कौन था बच्चों? कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट जो था वो सॉल्यूशन के फॉर्म में था, मतलब एक्वियस था। राइट, अब यहां पे क्या होना है बच्चों? यहां पे इन दोनों के बीच में कुछ अदला होने वाला है। मैं बदली नहीं बोल रहा हूं, खाली क्या बोल रहा हूं? अदला। ओके, अभी नेक्स्ट में अदला बदली भी आएगा। तो अदला का मतलब क्या है कि ये कॉपर जो है ना वो बाहर आ जाएगा और Fe कॉपर की जगह पे चला जाएगा। क्या होगा बच्चों? कॉपर बाहर आ गया और Fe कहां चला गया? कॉपर की जगह पे चला गया। तो कॉपर तो बाहर आ गया सॉलिड फॉर्म में। राइट, और यही कॉपर है जो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होगा, उसकी वजह से आयरन नेल का कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। तो ये जो कॉपर है वो कहां डिपॉजिट होगा? दिस कॉपर विल डिपॉजिट ऑन आयरन नेल। ओके, आयरन नेल। ओके, एंड टर्न्स इट टू ब्राउनिश। इसने क्या किया? आयरन नेल को टर्न्स टू ब्राउनिश कलर। ओके, और यहां पे कॉपर की जगह पे Fe आ चुका है, तो सॉल्यूशन किसका बन चुका है बच्चों? FeSO4 बन चुका है एक्वियस फॉर्म में। और ये FeSO4 है, उसकी वजह से जो कलर है वो धीरे धीरे ब्लू कलर, धीरे धीरे फेड हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कहेंगे फेरस सल्फेट। क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम फेरस सल्फेट कहेंगे। तो यहां पे क्या हुआ है बच्चों? यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां पे कॉपर को बाहर निकाल के उसकी जगह पे कौन आ गया? Fe आ गया। तो यहां पे बच्चों आप रिएक्शन में क्या समझे? यहां पे आप समझे कि कॉपर इज डिस्प्लेस्ड। कॉपर को हटा दिया गया, कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन इन दिस रिएक्शन। राइट, तो इस रिएक्शन में कॉपर की जगह पे कौन आ गया? आयरन आ गया और कॉपर को बेचारे को बाहर निकाल दिया गया। समझ में आया बच्चों आपको कैसे हुआ है ये रिएक्शन? क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं, एक दो और इसके एग्जांपल देखेंगे। चलिए बच्चों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसी कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लोगे और उसके अंदर अगर आप जिंक भी डालोगे ना,
यहाँ पे हमने आयरन डाला था राइट, आयरन की जगह पे अगर आपने जिंक को डाला ना तो भी क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे जिंक जो है ना वो भी क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, बाहर निकाल देगा और खुद कहां पे आ जाएगा, कॉपर की जगह पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा खुद बच्चों, वो कॉपर की जगह पे आ जाएगा, मतलब ये कॉपर जो है वो अलग हो गया, वापस डिस्प्लेस हो गया और सॉल्यूशन किसका बन गया बच्चों, जिंक सल्फेट का बन गया, ZnSO4 का। चेक करिए इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में ही है, तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, ये क्या बन गया आपका, जिंक सल्फेट बना। ओके पहले क्या था, ये कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में से क्या हो गया बच्चों, जिंक सल्फेट हो गया। समझ में आया आपको इतना, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने कॉपर क्लोराइड लिया CuCl2, क्या होता है कॉपर क्लोराइड बच्चों, CuCl2 होता है कॉपर क्लोराइड राइट, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर हम लेड डाल रहे, क्या डाल रहे हैं बच्चों, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम लेड डाल रहे हैं, तो लेड डालेंगे तो लेड भी क्या करेगा, ये कॉपर को बाहर निकाल देगा और खुद कॉपर की जगह पे जाके बैठ जाएगा। ओके तो यहां पे भी कॉपर जो है बेचारा वो डिस्प्लेस हो गया। ओके कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया और कॉपर की जगह पे कौन आ गया, लेड आ गया, तो ये बन गया लेड क्लोराइड PbCl2 एक्वियस। ओके तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले तो लेड क्लोराइड, तो मैं यहां पे इतना कह सकता हूं कि आयरन ने भी कॉपर को निकाल दिया था, देखिए यहां पे आयरन ने भी कॉपर को निकाल दिया था राइट, साथ साथ में जिंक ने भी कॉपर को निकाल दिया है और लेड ने भी क्या किया है, कॉपर को निकाल दिया है, मतलब इन तीनों के रिएक्टिविटी जो है ना वो कॉपर से कैसी है बच्चों, ज्यादा है। ओके तो हम लिखेंगे कि आयरन जिंक एंड लेड ये तीनों कैसे हैं, दिस ऑल आर मोर रिएक्टिव, दिस ऑल आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दे ऑल आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हैंड्स ये सब क्या करते हैं बच्चों, हैंड्स दे ऑल रिप्लेस द कॉपर, हैंड्स दे ऑल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट सोल्यूशन, फ्रॉम इट सोल्यूशन राइट। चले बच्चों अब इस टाइम पे मैं आपको एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे रहा हूं, आपको इसको ध्यान रखना है रिएक्टिविटी के ऑर्डर को, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है, उसका एक ऑर्डर है जिसे हम क्या कहते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर या रिएक्टिविटी सीरीज भी कहेंगे, एक्टिविटी सीरीज कहेंगे। ओके आप तो आगे जाके भी पार्ट में आने वाले हैं बट अभी भी आपके लिए काम का है। ओके जितने मेटल काम के वही मैं आपको देने वाला हूं, अभी आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। ओके तो जो जो मेटल आपके पास काम के है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, जिंक के बाद रिएक्टिव आता है बच्चों Fe, Fe के बाद रिएक्टिव आता है आपका लेड, लेड के बाद रिएक्टिव आता है बच्चों आपका कॉपर, कॉपर के बाद आता है सिल्वर और सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड, और गोल्ड से भी कम रिएक्टिव होता है प्लेटिनम। ओके अब यहां पे देखिए किस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मतलब जिंक इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, अगर मान लीजिए बच्चों लेड, तो लेड जो है वो इन तीनों से ज्यादा रिएक्टिव है बट आयरन एंड जिंक से कम रिएक्टिव है, मतलब क्या है इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लेड का एग्जाम्पल लेके दिखाऊं आपको, तो लेड को अगर आप कॉपर सल्फेट में डालोगे ना बच्चों, किसमें डालोगे आप, लेड को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ना, है कि नहीं, तो लेड क्या करेगा कॉपर को बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह पे चला जाएगा, क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो बन जाएगा बच्चों आपका लेड सल्फेट प्लस कॉपर डिस्प्लेस होगा वहां पे। बट अगर आप वही लेड को अगर बच्चों आपने जिंक सल्फेट में डाला, किसमें डाला, जिंक सल्फेट में ZnSO4 में, समझ में आ रहा है बच्चों आपको मैं क्या कर रहा हूं, अगर वही लेड को हम जिंक सल्फेट में डालेंगे तो जिंक और लेड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक और लेड में तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, लेड कम रिएक्टिव है, अगर ये लेड कम रिएक्टिव है तो लेड जिंक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यहां पे लेड कैसा है बच्चों लेस रिएक्टिव है, तो लेड जो है वो जिंक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मतलब यहां पे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। बोलिए बच्चों आपको समझ में आया मैंने क्या कराया वो। ओके तो ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीटली कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन हमने कंप्लीट किया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अभी, चले बच्चों बात करेंगे अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपका लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, एग्जांपल से इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहां भी हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है ओके और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें दो एक्वियस सोल्यूशन डाल देने हैं राइट, हम दो एक्वियस सोल्यूशन डालने वाले हैं बच्चों। पहला हम डालेंगे इसके अंदर सोडियम सल्फेट Na2SO4 का एक्वियस सॉल्यूशन राइट, और फिर हम इसके अंदर डालने वाले हैं बेरियम क्लोराइड,
बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 का इक्वियस सॉल्यूशन। चलिए जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे राइट, दोनों के दोनों अभी इक्वियस फॉर्म में एकदम क्लियर सॉल्यूशन होंगे दोनों राइट, पानी जैसे दोनों सॉल्यूशन होंगे। अब जैसे ही दोनों को मिक्स करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां पे बहुत सारा एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? बहुत सारा एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा, व्हाइट सब्सटेंस विल फॉर्म। और ये जो व्हाइट सब्सटेंस बना ना बच्चों, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं उसको? हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये प्रेसिपिटेट कैसा होता है बच्चों? इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए वो सॉलिड बन गया। प्रेसिपिटेट कैसा होता है बच्चों? इनसॉल्युबल होता है, और वो इनसॉल्युबल मतलब क्या हो गया? वो सॉलिड फॉर्म में जो है वो सेपरेट हो गया है राइट। चलिए बच्चों यहां पे देखते हैं कि रिएक्शन क्या हुआ है। तो यहां पे हमने क्या लिया था? सोडियम सल्फेट लिया था, जो क्या होता है Na2SO4 एक्वियस सॉल्यूशन लिया था उसका। क्या है बच्चों ये? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है ये आपका ओके। उसको हमने किसके साथ मिक्स कराया बच्चों? बैरियम क्लोराइड BaCl2 इक्वियस के साथ मिक्स कराया, बैरियम क्लोराइड। चलिए क्या हुआ था? एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बना था, तो वो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस बना था ना बच्चों, वो था आपका बैरियम सल्फेट। क्या था बच्चों? वो आपका बैरियम सल्फेट था, मतलब वो था आपका BaSO4 बैरियम सल्फेट, जो किस फॉर्म में है बच्चों? सॉलिड फॉर्म में, आपको हाईलाइट करना है यहां पे, सॉलिड फॉर्म में है। क्या है ये? बैरियम सल्फेट, जो क्या है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। बैरियम सल्फेट जो कैसा है बच्चों? आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है। कैसा है बच्चों? आपका बैरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, व्हाइट पीपीटी। पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट्स, प्लस जो सोल्यूशन बाकी बच जाएगा वो होगा NaCl एक्वियस। क्या होगा वो? NaCl एक्वियस होगा, जो बाकी बचा सोल्यूशन होगा, मतलब दैट इज सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। क्या है बच्चों? वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो आप ध्यान से देखिए यहां पे हुआ क्या है। तो बच्चों यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो पहले सोडियम के साथ सल्फेट था और बैरियम के साथ क्लोरीन था। प्रोडक्ट में देखिए बैरियम के साथ सल्फेट आ गया, मतलब बैरियम जुड़ गया सल्फेट के साथ और सोडियम जुड़ गया क्लोरीन के साथ। मतलब यहां पे क्या हुआ? दोनों ने अपने अपने जो आयन है उसका क्या कर लिया बच्चों? अदला बदली कर लिया। क्या कर लिया? आयन का अदला बदली कर लिया। देखिए यहां पर आयन था Na+, सोडियम आयन था, और कौन सा आयन था? सल्फेट SO4-2 ये पहले था ओके। उसी तरह से बैरियम क्लोराइड में कौन सा आयन था बच्चों? Ba+2 आयन होता है, और कौन सा आयन होता है? Cl- आयन होता है। अब जैसे ही प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ बच्चों? ये सोडियम जुड़ गया इसके क्लोरीन के साथ और बैरियम जुड़ गया इसके सल्फेट के साथ। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों? प्रोडक्ट में आपका सोडियम किसके साथ जुड़ा है? सोडियम जुड़ गया है क्लोरीन के साथ Na+Cl-, और जो बैरियम है बच्चों Ba+2 वो किसके साथ जुड़ गया है? सल्फेट के साथ जुड़ गया है। तो आपका ये सॉल्यूशन क्या बना है? बैरियम सल्फेट बना। तो ये आपके क्या हुआ? आयन देखिए आप चेंज हो गए। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट क्या करते हैं? अपने आयन को इंटरचेंज करते हैं। तो मैं यहां पे डिफाइन करूंगा इसको। डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? रिएक्शन इन विच रिएजेंट्स, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स इंटरचेंज, रिएक्टेंट इंटरचेंज आयन्स, रिएक्टेंट इंटरचेंज आयन्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों उसको? हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, जहां पे क्या हुआ है? अदला बदली हुआ है। क्या हुआ है? अदला बदली। चलिए अगर आपको याद हो तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, वहां पे भी हमने एक्सपेरिमेंट लिखा था जहां पे कुछ येलो येलो कलर का बना था, अगर आपको याद हो तो। याद है आपको हमने वहां पे क्या ऐड किया था? बोले सेकंड एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऑलरेडी कर चुके हो सेकंड एग्जाम्पल राइट बच्चों। तो वो सेकंड एग्जाम्पल आपका था जहां पे आपने लेड नाइट्रेट लिया था और उसके अंदर आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला था Ki। याद करे दोनों का इक्वियस सॉल्यूशन था ओके। क्या था ये? लेड नाइट्रेट PbNO3। दूसरा क्या था? Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड था क्या? नहीं था। और जैसे हमने मिक्स किया था ना तो कुछ येलो कलर का सब्सटेंस बना था और हमने कहा था कि वो लेड आयोडाइड है PbI2। क्या है बच्चों? वो लेड आयोडाइड दैट इज PbI2। और वो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, जो येलो प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है बच्चों? वो येलो PPT होता है, प्रेसिपिटेट ओके। और बाकी बचाओ क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट हो जाएगा KNO3 जो एक्वियस फॉर्म में रहेगा। क्या है बच्चों ये? सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट,
ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट जो एक्वियस के फॉर्म में ही रहेगा, वो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, ये सल्फर PbI2 जो है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या हुआ है, पहले लेड था नाइट्रेट के साथ और फाइनली लेड हो चुका है आयोडीन के साथ, तो यहां पे लेड और आयोडीन ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया, तो दूसरी तरफ क्या हुआ, पोटेशियम और नाइट्रेट ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, इतना क्लियर एकदम? ओके चले बच्चों, अब दोनों इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, पहले इसको बैलेंस करते हैं। चलिए बच्चों, यहां पे आपने अगर गौर किया होगा तो आपको थोड़ा एरर दिखा होगा। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस होता है। क्या होता है बच्चों, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस होता है, बाकी सब बराबर है, आयन का अदला बदली हुआ है यहाँ पे। चलिए इसको बैलेंस करिए, आयोडीन कितना है बच्चों, दो है, दो आयोडीन है यहाँ पे एक ही आयोडीन है, तो क्या करेंगे, इंटू टू करेंगे। तो अब पोटेशियम कितना हो गया बच्चों, टू हो गया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें पोटेशियम के लिए टू करना पड़ेगा। चलिए अब नाइट्रेट जो है पूरा NO3 वो कितनी बार हो गया, दो बार हो गया, यहाँ पे भी जो NO3 है वो ऑलरेडी कितनी बार है बच्चों, दो बार ही है। चलिए ऊपर भी एक रिएक्शन है, उसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। चलिए देखिए किस तरह बैलेंस करेंगे, तो NA यहाँ पे दो है, यहाँ पे NA कितना एक ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू टू करेंगे। चलिए सल्फेट कितना है, SO4 एक बार है, यहाँ भी SO4 एक बार है, बैरियम कितनी बार है, एक बार है, यहाँ पे बैरियम एक बार है, और Cl दो है, यहाँ पे ऑलरेडी Cl कितने हो चुके हैं, दो हो चुके हैं, राइट। तो बच्चों ये आपका कौन सा रिएक्शन था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, और इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जो आयन्स है उसका क्या होता है, अदला बदली होता है। क्या होता है, आयन्स का अदला बदली होता है, जो रिएजेंट है वो रिएजेंट क्या करेंगे, अपने आयन्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, और दोनों रिएक्शन के अंदर क्या बना था, अपना PPT बना था। PPT बनाया मतलब इन रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो मैं यहां पर नाम ऐड कर लेता हूं इसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कई बार आपको एग्जाम में इस नाम से ही पूछ लिया जाता है कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्लियर आपको इतना, कौन सा रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अभी अलग ही क्लासिफिकेशन देखेंगे केमिकल रिएक्शन का, जो है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। चलिए हम एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, एक चाइना क्ले का डिश लेना है, ओके, उसको हमें रख देना है बर्नर के ऊपर, एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, ओके, और उसके ऊपर हमें इसको रख देना है चाइना डिश को, ओके, और उसके अंदर हमें लेना है कॉपर का पाउडर। क्या लेंगे बच्चों, उसके अंदर हम कॉपर का पाउडर लेंगे। ये क्या है बच्चों, आपका कॉपर पाउडर है, और जो कॉपर का पाउडर होता है ना बच्चों, वो किस कलर का होता है, कॉपर पाउडर जो है वो आपका ब्राउन कलर का होता है। आपने देखा होगा ना कॉपर मतलब तांबा, तांबा कैसे चमकता है, ब्राउन कलर का होता है ना, तो ये पाउडर भी कैसा होगा बच्चों, आपका ब्राउन कलर का होगा। और जैसे ही आप इसको बर्नर के ऊपर गर्म करोगे ना बच्चों, वो क्या करना है, बंसन बर्नर लेना और बर्नर के ऊपर इस कॉपर पाउडर को गर्म करना है। तो जैसे ही आप गर्म करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे जो कॉपर का पाउडर है ना, वो ब्राउन में से धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं यहां पर उसका रीजन लिख रहा हूं कि ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन चाइना क्ले डिश, ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन चाइना क्ले डिश इट टर्न्स ब्लैक। वाई इट टर्न्स ब्लैक, वाई, क्योंकि यहां पे जो कॉपर पाउडर है ना, वो एटमोस्फियर में जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ रिएक्शन चालू करेगा हाई टेम्परेचर। क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे ये कॉपर पाउडर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एस कॉपर कंबाइन विथ ऑक्सीजन, कॉपर कंबाइन विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर एंड इट टर्न्स ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। चलिए तो इसका बैलेंस रिएक्शन लिख देते हैं बच्चों। चलिए हमने क्या लिया था, कॉपर का पाउडर लिया था सॉलिड फॉर्म में, जो किस कलर का होता है, ब्राउन होता है। हमने जैसे ही उसको गर्म किया तो वो किसके साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। हमने क्या किया, गर्म किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनाया बच्चों, कॉपर का ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया बच्चों, कॉपर का ऑक्साइड बनाया, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, ओके। और ये कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट टू है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कॉपर टू ऑक्साइड, राइट। और ये किस कलर का पाउडर है, आपका ब्लैक कलर का पाउडर है। चलिए किस कलर का पाउडर होता है ये, कॉपर टू ऑक्साइड जो है बच्चों,
ये कॉपर टू ऑक्साइड का कलर क्या होता है बच्चों? ब्लैक होता है। समझ में आया आपको इतना? क्लियर। चलो यहाँ पे हो क्या रहा है रिएक्शन में सोचिए। तो रिएक्शन के अंदर बच्चों कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है ना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों उसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ने अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया है, तो कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है बच्चों यहाँ पे? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम रिएक्शन के बारे में लिख रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है ना, उसका क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ उसका? ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? इन अबोव रिएक्शन कॉपर इज ऑक्सीडाइज। क्या लिखोगे आप? इन अबोव रिएक्शन कॉपर इज ऑक्सीडाइज। तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो कॉपर का क्या हुआ है बच्चों? ऑक्सीडेशन हुआ है। चलिए आप जैसे ही आप ये कॉपर ऑक्साइड का पाउडर लोगे और उस कॉपर ऑक्साइड के पाउडर में से आप हाइड्रोजन गैस पास करो, जो कॉपर ऑक्साइड का पाउडर बन गया ब्लैक कलर का। ओके, कॉपर ऑक्साइड का जो पाउडर बना है बच्चों किस कलर का हो चुका है? वो ब्लैक कलर का हो चुका है, राइट? कॉपर ऑक्साइड जो है वो, आप जैसे इस ब्लैक कलर के पाउडर में से हाइड्रोजन गैस पास करोगे ना बच्चों, अब वापस ये ऑब्जर्व करोगे कि जो कॉपर है ना उसका शाइन वापस ब्राउन हो जाएगा, वापस वो शाइनी हो जाएगा ब्लैक में से। चलिए ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये हाइड्रोजन जो है ना, वो हाइड्रोजन क्या करेगा? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? ये कॉपर वापस सेपरेट हो गया सॉलिड फॉर्म में, सेपरेट हो गया तो किस कलर का होगा? ब्राउन कलर का होगा। ओके, बुरी बला जो आई थी ना उसके ऊपर ऑक्सीजन और बला वापस चली गई, इसलिए वापस इसकी चमक आ गई, समझ लो आप ऐसे कुछ, राइट? हाइड्रोजन कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बन जाएगा आपका? H2O बन जाएगा लिक्विड। ओके, वाटर बना। चलिए अब यहां पे आप ध्यान से देखिए बच्चों क्या हुआ। यहां पे अब जो कॉपर ऑक्साइड है ना आपका, कौन बच्चों? कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो यहां से क्या हुआ? ऑक्सीजन का लॉस हो गया। जहां से ऑक्सीजन का लॉस होता है ना, उसको कहते हैं हम रिडक्शन प्रोसेस। क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे? रिडक्शन प्रोसेस। और वो हाइड्रोजन ने क्या किया? उस ऑक्सीजन को अपने पास ले लिया। तो हाइड्रोजन ने अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन हुआ। और कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन का लॉस किया, तो उसका होता है रिडक्शन। तो पहले रिडक्शन लिख देते हैं हम, रिडक्शन प्रोसेस, राइट? तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब होता है बच्चों? रिडक्शन का लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे आप देखिए अबव रिएक्शन, इसके अंदर देखिए कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन। कॉपर ऑक्साइड का, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग द ऑक्सीजन। अगर वो बच्चा ऑक्सीजन लॉस कर रहा है ना, तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग द ऑक्सीजन, हेंस इट इज रिड्यूस। क्या हो रहा है उसका? रिड्यूस हो रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन करके H2 बना रहा है ना, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। सो हियर हाइड्रोजन इज गेनिंग द ऑक्सीजन, हेंस हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। सो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब आप ओवरऑल इस रिएक्शन में देखिए, ये रिएक्शन के अंदर ये कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन खोया, तो उसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और एट द सेम टाइम ये हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को लिया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है ना, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स का मतलब ये ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी होता है और साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है। ओके, क्लियर आपको इतना? ओके, तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक दो और एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। अगर बच्चों हमने जिंक ऑक्साइड का पाउडर लिया और उसको कार्बन के साथ गर्म किया ना, तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा इस कार्बन के साथ, तो ये बच्चों आपका बन जाएगा जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल चुका है, कहाँ चला गया है? कार्बन के पास चला गया, तो कार्बन क्या हो जाएगा आपका? CO हो जाएगा।
तो यहां पे बच्चों आप ध्यान से देखिए, जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया बच्चों, जिंक हो गया। यहां पे क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। किसका लॉस हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। ऑब्वियसली इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? रिडक्शन कहेंगे। तो यहां पे जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। चलिए, कार्बन में से क्या बन गया आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। यहां पे क्या हुआ? लॉस हुआ कि गेन हुआ? यहां पे गेन हुआ ऑक्सीजन का। चलिए, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? यहां पे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर आपका जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और कार्बन क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए, एक और एग्जांपल देखेंगे। अभी हम एग्जांपल है आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर होता है MnO2। अगर उसको हम HCl के साथ गर्म करेंगे बच्चों, तो उससे हमें मिलता है MnCl2 मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलना है बच्चों? H2O मिलना है। और साथ में इवॉल्व होता है क्लोरीन गैस। क्या इवॉल्व होता है? क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। रिएक्शन आपको याद रखना है, रिएक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl। मैंगनीज कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के साथ, बनाया गया MnCl2। हाइड्रोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, जो बनाएगा आपका H2O। और क्लोरीन गैस भी वहां पर साथ में क्या होना है बच्चों? आपका इवॉल्व होने वाला है। बहुत ध्यान से आप देखेगा इस रिएक्शन को, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, MnA के O2 है यहाँ पे। यहाँ पे वो कितना है बच्चों? एक ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू हम 2 लगाएंगे। चलिए, हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पे तो एक ही है, तो क्या करेंगे? 4 लगाएंगे। चलिए, क्लोरीन कितना हो गया आपका? 4 हो गया। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, क्लोरीन 4 अपना ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हुआ क्या है। तो यहाँ पे जो बच्चों आपका MnO2 है ना, कन्वर्ट हुआ है किसमें? वो MnCl2 में कन्वर्ट हुआ। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे बच्चों आपका MnO2 किसमें कन्वर्ट हुआ है? MnCl2 में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है बच्चों? लॉस हुआ है। किसका लॉस हुआ है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाना है बच्चों आपका? ये रिडक्शन हो जाने वाला है। ओके, चलिए ऑन द अदर हैंड आप HCl को देखिए, HCl का क्या हुआ है बच्चों? तो यहाँ पे HCl में से किसमें कन्वर्ट हो गया है? वो खाली क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया है। तो HCl ने क्या लॉस किया? हाइड्रोजन का लॉस किया, तभी वो खाली क्लोरीन बना। तो HCl में भी कुछ नया आ रहा है, वो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो जहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ना बच्चों, उसको भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भी हम? ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? ऑक्सीडेशन कहेंगे, राइट। तो यहां पे बच्चों आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा? आप डेफिनेशन करो ओवरऑल। तो आपका ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाना है बच्चों गेन ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, और यू कैन से लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो या तो ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लॉस करे, दोनों ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन इसका उल्टा है बच्चों। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन के अंदर होता है आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, या तो हाइड्रोजन सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिडक्शन में इसका उल्टा करना है ना, ऑक्सीजन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन। या तो क्या हो सकता है आपका? गेन ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? गेन ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। क्लियर आपको इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इस एग्जांपल में बताइए ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड में से क्या बन जाता है आपका? कॉपर बन गया। ये क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हुआ ऑक्सीजन का, इसने ऑक्सीजन खो दिया, अकेला हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है आपका? रिडक्शन होता है। ओके, बहुत क्विकली करेंगे अभी इसको। हाइड्रोजन में से क्या हो गया? H2O हो गया। तो हाइड्रोजन ने क्या कर लिया? ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका ऑक्सीडेशन। तो आई होप कि अभी आपके सारे टाइप के रिएक्शन जो है बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ऑक्सीडेशन किसका है और रिडक्शन किसका है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। चलिए बच्चे, ये लास्ट दो छोटे छोटे टॉपिक देखते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। पहले बात करेंगे बच्चों हम कोरोजन के बारे में। चलिए, तो अगर आप कोरोजन देखो तो आपके पास जो आयरन के नए नए आर्टिकल होते हैं ना, अगर आप आयरन का कोई भी नया चीज लेके आओ तो वो एकदम शाइनी होगा, और थोड़े दिन के बाद वो कैसा हो जाता है? उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है। आप अपनी खिड़की पे जाकर ना, खिड़की की जो आयरन की रेलिंग है वही देख लीजिए, कैसे हो चुकी होगी वो? थोड़ी रेडिश ब्राउन कलर की हो चुकी होगी। तो ये जो रेड ब्राउन कलर का पाउडर है ना, वो और कुछ नहीं है, क्या है बच्चों? वो रस्ट है। क्या है वो? रस्ट है। तो अगर मैं इसके एग्जांपल लिखूं तो आयरन जो है इट डेवलप्स रेडिश ब्राउन पाउडर, इट डेवलप रेडिश ब्राउन पाउडर और कोटिंग, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस एंड लॉस इट्स शाइन। आयरन जो है वो अपना शाइन खो देगा सबसे पहली बात। चले दूसरा देखते हैं।
सेकंड क्या होगा, आपके पास अगर कोई कॉपर का नया वेसल होगा ना, तांबे का वेसल, तो तांबे का भी जो वेसल है ना उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोट लग जाता है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर वेसल। और जो सिल्वर होता है ना, चांदी आप नया नया लाओगे ना तो एकदम चमकता होगा व्हाइट जैसा एकदम, और थोड़े टाइम के बाद वो काला पड़ जाता है, राइट। ये आपका एक जनरल एक्सपीरियंस है, जो आपको पता होगा, नहीं पता था मम्मी को पूछिए कि चांदी जो है वो कैसा हो जाता है, काला पड़ जाता है, राइट। तो दैट इज ब्लैक कोटिंग डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर। तो ये सब जो है ना बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल किसके है, कोरोजन के है, और कोरोजन का मतलब होता है व्हेन मेटल्स आर अटैक्ड by the substances in surrounding, by the substances in surrounding, metal के ऊपर कौन attack करेगा, the substances in surrounding, क्या होगा उसके surround में, obviously moisture होगा, okay, आजू बाजू moisture होगा आपके atmosphere में, right, फिर क्या होगा, oxygen होगा, right, या आप कह दो air होगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, कोरोजन कहते हैं, व्हेन द मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इट, राइट। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कोरोजन कहेंगे, इट इज कॉल्ड कोरोजन प्रोसेस, राइट। क्लियर आपको कोरोजन क्या है वो, तो कोरोजन आप सिंपली याद रख सकते हो, मेटल का रिएक्शन है ये, किसके साथ है बच्चों, मेटल का रिएक्शन या तो मॉइस्चर के साथ है या तो ऑक्सीजन के साथ है, तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, कोरोजन है। और कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, सिल्वर काला हो जाएगा, कॉपर के जो सरफेस है वो ब्लैक ग्रीन कलर के कोटिंग आ जाएंगे, आयरन के ऊपर रस्ट लगता है, राइट। चलिए, ये जो कोरोजन है उससे क्या होता है, हर साल बहुत ज्यादा लॉस होता है, बिकॉज वी नेवर वॉन्ट के कोरोजन हो, राइट। हम कभी नहीं चाहते किसी भी चीज के ऊपर रस्टिंग लगे, सो यू कैन से लार्ज अमाउंट ऑफ loss take place to the, कहां corrosion लगता है बताइए, normally car पे लग जाता है, right, ship पे लगेगा, iron का बना होता है, पूरा पानी में चलता है वो तो, right। फिर जो bridge होता है आपका, bridge पे भी iron का बहुत सारा काम होता है, फिर आपके household जो railing होते हैं, right, railings के ऊपर बहुत सारा काट लग जाता है, फिर आपके जो vehicles है, bike है आपकी, right, वो सब जगह के ऊपर क्या होगा बच्चों, बहुत सारा ही आपका रस लग जाएगा, और ये रस लगने की वजह से देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस टेक प्लेस टू ऑल दिस थिंग्स ड्यू टू कोरोजन। चलिए बच्चों, हम थर्ड चैप्टर में सीखेंगे कि कोरोजन के सामने हमें लड़ना कैसे है, कोरोजन को किस तरह घटाना है, कोरोजन को किस तरह रोकना है। अभी इस चैप्टर में आपको इतना ही करना है, कोरोजन का डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी। चलिए बच्चों, आखिरी टॉपिक है रेंसिडिटी। चलिए, क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। अभी आप जो वेफर या ऐसा कुछ है, वेफर हो या फिर मान लो आपका गांठिया है, गुजराती लोग ये फाफड़ा वाफड़ा बहुत खाता है ना, राइट। तो ये सारी चीजों को अगर आप एक दो दिन तक खुला रखोगे ना, और फिर उसको आप स्मेल करो, राइट, खुला रखने के बाद अगर आप उसको स्मेल या टेस्ट करोगे ना, तो उसका स्मेल या टेस्ट पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा उसका स्मेल या जो टेस्ट है वो, ओके। तो ये क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है, व्हेन द फैट्स एंड, अब रीजन देखिएगा आप, व्हेन फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, when the fats and oil containing foods are oxidized, oxidized हो जाएगा ना, because आप अगर हवा में रखोगे तो वो oxygen के साथ reaction चालू कर देगा fat and oil, so when the fat and oil are oxidized they become rancid, rancid मतलब उसकी smell खराब हो जाएगी, they become rancid, right, and their smell and taste, and their smell and taste changes, राइट, दिस इज कॉल्ड एज वॉट, रेंसिडिटी। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखू रेंसिडिटी, तो आपको याद क्या रखना है, ऑयल एंड फैट गेट्स ऑक्सीडाइज। अब सवाल यह है कि किस तरह से इस रेंसिडिटी को रोकेंगे, हाउ टू प्रिवेंट इट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से रोकना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम फूड मटेरियल के अंदर डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स,
क्या डालते हैं उसके अंदर बच्चों, हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है वो। ओके, ब्यूटाइलेटर, हाइड्रोक्सी टोल्यून, एनिसोल, अभी इतना भारी भारी नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब इतना ध्यान रखिए, अब उसके अंदर क्या डालते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। क्या डालते हैं उसके अंदर हम बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, राइट। चलिए, जो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से, प्रिवेंट रिएक्शन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन। चलिए, इसका काम है टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन। चलिए, दूसरा बच्चों आपका काम है टू कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर का ही तो सारा मगज मारी है ना, तो आप एयर टाइट कंटेनर में रखो। टू कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर, राइट। चलिए, तीसरा आप क्या कर सकते हो बच्चों, तीसरा आप बहुत इंपॉर्टेंट आप कर सकते हो, तो फ्लश द फूड बैग। जैसे कि वेफर के पैकेट्स होते हैं ना, राइट, वेफर के पैकेट होते हैं या भुजिया भुजिया के पैकेट होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी हवा भरी होती है, राइट। कितने कितने फूड पैकेट में तो पता ही नहीं चलता है कि हवा ज्यादा है कि वेफर ज्यादा है, राइट। तो वो जो हवा भरी होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, दे आर फ्लश, द फूड बैग्स आर फ्लश विथ नाइट्रोजन गैस। किसके साथ क्या भरा जाता है, उसके अंदर जो गैस होता है ना ऊपर, वो कौन सा गैस होता है बच्चों, नाइट्रोजन गैस होता है। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये नाइट्रोजन गैस कैसा होता है बच्चों, इट इज नॉन रिएक्टिव विथ फैट्स एंड ऑयल। वो फैट और ऑयल के साथ रिएक्शन करता नहीं है, इट इज नॉन रिएक्टिव विथ फैट्स एंड ऑयल। तो इस रीजन की वजह से वो फैट और ऑयल से रिएक्शन नहीं करता है ना, इसी रीजन की वजह से जो फूड के बैग होते हैं ना, वेफर और बिस्किट के, राइट, वो बैग को जनरली किसके साथ फ्लश किया जाता है, नाइट्रोजन के साथ फ्लश किया जाता है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, राइट। अभी हम एक और पार्ट करेंगे जहां पे हम इसके एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट। आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।